इतरो सानो बाटोमा अत्रो ठुलो अनसङमै क्या ए गाइस देखाने के लिए व्हाट अ व्यू हो गाइस दामी है ना। मैंने यहाँ का काम भी खत्म कर दिया, जंगसा बंगलो के अंदर आ चुका हूँ गाइस। जल्दी जल्दी यहाँ का सिनेमेटिक शॉट देखते हैं, फिर यहाँ से फटाफट निकलते। हेलो फ्रेंड्स, वन्स अगेन वेलकम ब्याक टु माई स्टेन ब्लग। र तपाईँहरू राम्रो सन्चै ठिकै हुनुहुन्छ होला, म पनि ठिकै छु है। आज चाहिँ म चाहिँ कहाँ आइपुगिसकेँ भन्दा चाहिँ यहाँनिर बिस माइलमा आइपुगिसकेँ नि त, छुमेनचुनको यहाँनिर आइपुगिसकेँ होइन। र के भयो भन्दाखेरि अब घरबाट चाहिँ ब्लग स्टार्ट गरिनँ नि त मैले, अब एकैचोटि यहाँ आएर चाहिँ भेट्छु भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई यहीँनिर आएर भेटेको होइन। आज चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ अब कहाँ जान्छु भन्दाखेरि सिधै अलगडा, त्यहाँदेखि मनसङहरू पनि जान्छु, त्यहाँदेखि उता उता हुँदै हुँदै पेदुङ आउँछु गाइस होइन। फटाफट अब यहाँबाट निस्किन्छु होइन, किन भन्दाखेरि अब आफूलाई काम पनि गर्नु छ नि त, अफिसको काम पनि छ थुप्रो होइन। लेट्स गो गाइस। यहाँबाट निस्किसकेको छु आफ्नो बाटोमा है, अब धेरै ठाउँ जानुपर्छ नि त। आज चाहिँ मनसङ पनि जाने बेला भयो, मनसङ पनि जानुपर्छ नि त गाइस होइन। र त्यही कारण चाहिँ पेदुङ चाहिँ म चाहिँ किन गएको थिएँ भन्दाखेरि, मैले चाहिँ पेदुङमा चाहिँ मेरो फिलअप गराउनु थियो नि त है। र मैले चाहिँ पेदुङ पेट्रोल पम्पमै फिलअप गराएर चाहिँ त्यहाँदेखि निस्केको गाइस। पेदुङमा चाहिँ घाम लागिरहेको थियो होइन, अलगडामा चाहिँ यहाँनिर ड्याम्म फगी लागिरहेको रहेछ नि त अहिले चाहिँ। फेरि आम्बो, अलगडामा पनि अभी जाम लगा हुआ है पुरा के पुरा। यहाँ से लेफ्ट जाएगा तो आप लोग लावा जा सकता है, यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी का वजह से जा नहीं सकता है, देखो ना। अरे यह माता बहुत मस्त होता है ये बाइक की गाइस, चलाने में बहुत मज़ा आता है गाइस। क्या करते हो यार आगे की तरफ, आगे आगे दो दो मिलती है। ओ भाई जाएगा जाएगा, मर जाएगा रे भाई, ऐसा नहीं चलाने का। साइला पार्क हो नि त यो चाहिँ होइन, यहाँनिर आइरहेको छु होइन, दोकान छ यहाँनिर, मैले तपाईँहरूलाई ब्लगमा पनि भनिरहन्छु होइन। यो चाहिँ दोकानमा चाहिँ चिया भनिरहेको छु, अब चिया आउँछ होइन, भाउजू चिया ल्याइदिनुहुन्छ। र यहाँ वेदर चाहिँ यस्तो भइरहेछ गाइस होइन, फगी नै फगी होइन, टाढाको भ्यू चाहिँ एउटा देखेको छैन आज चाहिँ होइन, बवाल देखिदिइरहेछ यहाँ तल चाहिँ, अब देखेको छैन आज केही पनि होइन, छोडिदिउँ होइन। यहाँ साइला पार्क यहाँबाट चाहिँ टक्क 17 माइलहरू देखिरहेछ, यहाँबाट चाहिँ कैयौँ जाने फाटकहरू छ नि त टक्कै त्यहाँनिर चाहिँ होइन गाइस। दामी है भ्यू चाहिँ, अब यहाँनिर चाहिँ दामी हुन्छ क्या, मैले यहाँको टाइम ल्याप्स पनि हालेको थिएँ नि त। हामी भइदियो नि त वेदर चाहिँ अब चाहिँ है, जाने हो जु बवाल वेदर। साथी र दा चाहिँ त्यहाँनिर एन्टकमा छ होइन, यहाँ तलसम्म जान्छ उनीहरू चाहिँ होइन। म चाहिँ अब मनसङको लागि निस्केको नि त एसपी डाँडाबाट, साइला पार्क, बाई बाई। ओ हुन्छ दा, गो ल बाई ल, ओके भोलि आउनु, कहिले हुन्छ अब भेटौँ न फेरि ल। मैले चाहिँ अब साथीहरूसँग पनि छुट्टिसकेँ है, किन भन्दाखेरि साथीहरूको सानो सलुन चाहिँ अब कपाल चाहिँ अब दामी काटिदिन्छ मनिषले चाहिँ, साथीले चाहिँ होइन, उसले ऱ्याप पनि ओभर दामी दामी हानिदिन्छ होइन, बवाल छ है। उसको पनि एउटा भिडियो सुट हानिदिनु आँटेको छु अब म होइन, म्युजिक भिडियो चाहिँ अब सुट गरिदिनु भनेर चाहिँ अब ट्राई गरिदिँदै उसको लागि होइन। आई विल ट्राई होइन गाइस, आउँछ होला छिटै त्यो भिडियो पनि। कहाँबाट चाहिँ म पनि फेरि राइटै जाने हो नि त, गाडीलाई हतार भइदिन्छ कुनि किन है, आम्मा यत्रो सानो बाटोमा यत्रो ठुलो ट्रक आउँदै रहेछ, ए के पो बस आउँदै रहेछ, माया लु अरे गान्तोक टु सिलगढी। यहाँबाट म फेरि जानु पऱ्यो राइट गाइस, सिधै गयो भने चाहिँ कालिम्पोङ टाउनको लागि पुगिहाल्छ नि त बवाल। अभी मैं जा रहा हूँ ये मनसङका रोड के तरफ, चलते आगे मिलते कैसे व्यूज मिलेगा देखाते हैं आप लोगों को भी है ना। आगे इतना मस्त रोड को इंजॉय करते हुए, थोड़ा सा धूप भी लगा हुआ है, तो जगह जगह धूप भी मिल रहा है गाइस, जगह जगह धूप नहीं मिल रहा है। हेलमेट पहना करो भाई लोग, हेलमेट पहना करो राइड करते समय भाई। कमेंट भी आया था गाइस ये रोड से, मैं उतना फास्ट चलाता हूँ लेकिन चलता हूँ, मैं राइडर हूँ क्योंकि मेरे को टाइम भी कवर करना पड़ता है, ये मेरे को अभी से आदत रखना चाहिए ना। जब मैं लॉन्ग टूर पे जाऊँगा तो फिर मेरे को पता नहीं चलेगा ना, आदत रखना चाहिए कौन सा रास्ता में आराम से चलना है, कहाँ से धीरे चलना है, कहाँ पे स्लो करना है, वो सब मैं ध्यान रख के चलता हूँ गाइस। आप लोग
डरिए मत, थोड़ा सा ध्यान रख के राइड करता हूँ गाइस। आप लोग ऐसा कमेंट कर रहा था क्योंकि मेरे को कंप्लेन होगा बोल के मन संग में क्या है दिखाने के लिए। आज मैं काम भी करने के लिए जा रहा हूँ, दो चीज का काम से जा रहा हूँ, दो चीज लेके चल रहा हूँ गाइस। अभी लाइफ में दो तीन चीज लेके चल रहा हूँ, पर्सनल काम भी चालू है, मेरा स्पोर्ट भी बन रहा है गाइस। अक्टूबर से ओपनिंग चालू होगा गाइस, आ जाइए आप लोग घूमने के लिए। कैनन ट्रैक है गाइस, कैंपिंग सब मैं कराता हूँ गाइस। कॉन्टैक्ट कीजिए गाइस, मेरा डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा आप लोगों को, आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए। अभी मैं आ चुका हूँ रामधोरा बर्मे के, यहाँ पे भी बहुत अच्छा अच्छा होम स्टे मिलेगा गाइस, मस्त व्यू भी मिलेगा गाइस। सुबह का इतना कंचनजंगा इतना मस्त दिखाई देता है ये रामधुरा बर्मे। ये जगह का मैं एक छोटा सा पीछे फॉरेस्ट भी है, आज मैं दिखाई नहीं पाऊंगा गाइस क्योंकि मेरे को पता है उसमें बहुत ज्यादा ढक के रख दिया वो जगह को गाइस, क्योंकि पूरा फॉगी लगा हुआ है ना, उसलिए दिखाई नहीं पाऊँ। यहाँ पे नीचे तो इतना मस्त धूप लग रहा है, वो साइड में पूरा फॉगी है, ये साइड में पूरा धूप लग रहा है, धूप मीन्स घाम लगा छू, घाम लग रहा है यहाँ साइड में, वो साइड में घाम नहीं है। चलिए गाइस मेरा काम हो चुका है, मैं वहाँ पे स्कूल बना हुआ है प्राइवेट, वहाँ पे गया था मीटर देख लिया गाइस और मेरा काम हो गया। मैं फिर निकल रहा हूँ आगे के तरफ, यहाँ से आप लोगों को एक छोटा सा व्यू दिखा देता हूँ, वो देखिए गाइस। अभी मैं वो साइड में था, अभी वहाँ वो साइड में पूरा फॉगी हो चुका है, फिर मैं ये साइड में हूँ तो ये साइड में भी थोड़ा सा घाम आने लगा गाइस। वो तो कौन सा है, सिरिसे गांव बोलता है गाइस उसको, सिरिसे गांव है वो साइड में गाइस। ये नीचे का पूरा क्या बर्मेक है गाइस, ये पूरा सा पूरा वो सिरिसे गांव बर्मेक ही है रोड, उससे अच्छा है रोड भी। देखिए फॉगी कैसे जा रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है ना, चलते है नीचे के तरफ। अभी मैं जलसा बंगलो के अंदर में नहीं गया, कहाँ से आता है भाई, थोड़ा साइड से तो आजा भाई। यहाँ से अभी व्यूज कैसा मिलेगा गाइस, एनाकोंडा टर्निंग मॉनसून गाइस, सब बोलता है यहाँ पे एनाकोंडा टर्निंग, एनाकोंडा टर्निंग, हम भी बोल देता है ना एनाकोंडा टर्निंग का। इसका फोटो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा गाइस, बहुत मस्त टर्निंग लग रहा है ना, ओ व्यू पन तो व्हाट अ व्यू गाइस, दामी है ना, आम यो हुन त व्यू भनेको चाहिँ हैन। बर्खाको टाइममा चाहिँ अब राइड गर्न निस्किने चाहिँ अलिकति चाहिँ यति चाहिँ फाइदा हुन्छ हैन गाइस, माथि डल्लै फगी लागिरहेछ, बादलै बादल हैन चारो तरफ हैन, बिचमा चाहिँ खोलामा मात्रै घाम लागिदिइरहेछ गाइस, आम्बो दामी होइन, हल्का सिनेमेटिक सटमा इन्जोय गरिदिउँ न त। अभी मैं आ चुका हूँ एनाकोंडा टर्निंग मॉनसून का व्यू पॉइंट में गाइस, बवाल है आज का व्यू तो एकदम मस्त लग रहा है ना, आम्बो गाइस मेरा बैक साइड में देखो ना खोला कितना मस्त दिखाई दे रहा है। चलते गाइस, मैंने सोचा था डेली व्लॉग करने के लिए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिला डेली व्लॉग करने के लिए, हफ्ता में दो तीन व्लॉग डाल देता हूँ, जिस दिन ऐसा अच्छा अच्छा व्यूज मिलेगा तो उसी दिन मैं आप लोगों को वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है गाइस, क्योंकि डेली व्लॉग नहीं हो पाएगा गाइस मेरे से क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है ना गाइस ब्लॉग बनाने में। फिर यहाँ से भी हम अभी निकलना पड़ेगा आगे की तरफ, यहाँ पे ये टाइम में फोटोशूट लेने में बहुत मजा आए, दामी दामी व्यू भन्छ नि गाइस, आम्बो हैन तपाईहरुले यसको जति पनि फोटोशूटहरु हैन इन्स्टाग्राममा हेर्न सक्नुहुन्छ, स्टेफन ब्लग 46 लाई इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नुस्, तपाईहरुले स्क्रिनमा पनि देखिराख्नु भएको छ। यहाँ से भी हम निकलते आगे के तरफ क्योंकि यहाँ पे भी आगे भी थोड़ा काम है ना मेरे को जाने का, उसलिए देखिए ना गाइस व्यूज का मजा ले लो, हामी देखि रहा छ आज चाहिँ घाम चाहिँ हजुर खोलामा मात्रै घाम
मस्त व्यू को टाटा बाय बाय करके हम निकलते हैं आगे के तरफ। मैं लेफ्ट जाऊंगा क्योंकि नीचे का ऑफिस में जाना है ना। आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं तब तक काम निपटा के निकलता हूँ फिर वीडियो में। मैंने यहाँ का काम भी ख़त्म कर दिया, जंगसा बंगलो के अंदर आ चुका हूँ गाइस। जल्दी जल्दी यहाँ का सिनेमैटिक शॉट देखते हैं फिर यहाँ से फटाफट निकलते। पेदुंग पे पहुंच गया, जैसे ही मेरा माइक ने काम करने के लिए छोड़ दिया गाइस, पूरा साइलेंस हो गया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था गाइस। अभी मैं पेदुंग पहुंच गया हूँ। अभी पेदुंग के थोड़ा सा हाईवे पे हूँ, मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ। यहाँ पे पेदुंग मार्केट नीचे लगता है गाइस, यही पेदुंग बाज़ार है गाइस। यहाँ से थोड़ा नीचे जाएगा तो पेदुंग बाज़ार भी मिल जाएगा गाइस, और ये पेदुंग का मेन स्टैंड है गाइस। चलते फिर आगे की तरह। जुन चाहिँ यो पारी देखिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ डल्लै रिनकहरू पर्छ है, सिक्किम पर्छ होइन। यो खोला चाहिँ रेसी खोला हो र यताको चाहिँ कागेहरू डल्लै हो होइन। यो माथि जुन चाहिँ बादलले छोपिरहेको चाहिँ यो डल्लै फेरि वेस्ट बङ्गाल पर्छ है। यहाँनिर चाहिँ अब लिङ्से लिङ्सेखाहरू पर्छ नि त है, मूल खड्काहरू भन्छ होइन। लेट्स गो गाइस, आजको भिडियो आप लोगों के लिए यहीँ तक। जिस जिसने मेरे भिडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दीजिए यार। नेक्स्ट भिडियो में फिर मिलते, इतना अच्छा व्यू को टाटा बाय बाय करके आप लोगों को भी टाटा बाय बाय।